बिहार में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय के विद्यापीठ चौक पर, ये NH-80 सड़क है और यहाँ की स्थिति आपको हम दिखाते हैं। आए दिन की तरह यहाँ पर लोग नहीं हैं, फल की दुकानें हैं वो खुली हुई है, सुरक्षाकर्मी यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर लोगों को सतर्क कर रहे हैं। ये आप विद्यापीठ चौक का नज़ारा देख सकते हैं, लोगों का आना जाना यहाँ पर जारी है। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ है विनोद जी, इनसे जानेंगे। ये सुबह से लॉकडाउन का बहुत अच्छा है, लोगों को रिस्पॉन्स मिला है, बाज़ार बंद है जी। पुलिस भी सख्ती बरत रही है, वाहन वगैरह नहीं चले, लोगों को खुद अपनी भी समझदारी होनी चाहिए, किस प्रकार का हरकत ना करें। घरों में कैद रहें, कोरोना वायरस का कहर है, सतर्कता बरतनी चाहिए। पुलिस सख्ती कर रही है, आने जाने से रोक रही है। देखिए आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं, लगातार जो पुलिस के जवान हैं यहाँ पर विद्यापीठ चौक पर मौजूद हैं और लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। बेवजह लोग घरों से बाहर नहीं निकले, कोरोना वायरस से बचने के लिए ये अपील की जा रही है लोगों से कि आप बताइए आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सब्जी लाने के लिए आए हैं। सब्जी लेने के लिए आए हैं, सब्जी तो खैर जरूरी है, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना पता है ना आप लोगों को। बताइए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन है पता है ना आपको? पता है। तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आया सामान लेने के लिए, राशन। तो राशन लीजिए और घर जाइए और सेफ्टी बरतिए। यह हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि बेवजह सड़क पर ना निकले, बिहार में जो लॉकडाउन है उसका पालन करें और कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से बचने के लिए जो पर और यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर पुलिस सड़क पर उतरी है और सख्ती से पालन यहाँ पर लॉकडाउन का करवा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो पुलिस बल है वो सड़क पर अरे प्रेस कर। कौन सी आगे समझ में आ रहा है होने के लिए उतना नहीं उतना इसको सोने छोड़ देते लेकिन जानते लेकिन सारे गया पांच दिन के बाद लौट रहे हैं। अरे उड़ेगा कि नहीं, ये सब जरूरी है।